हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रदीप सिजेरिया और आप सभी का क्विक फील केमिस्ट्री में स्वागत है। मैं यहाँ पर कंसेप्ट एप्लीकेशन फर्स्ट का आई के क्लब का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस टाइप से है, द रेशियो ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ टू एसिड एच ए एंड एच बी एच फोर एट व्हाट मोलर कंसेंट्रेशन रेशियो द टू एसिड विल हैव सेम पीएच इन सेपरेट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन रेशियो निकालना है दो एसिड का, और एसिड अपने एच ए एंड एच बी दिए गए हैं। तो मैंने कंसंट्रेशन एच ए जो दिया है उसका सी वन कंसंट्रेशन मान लिया, और एच बी जो दिया है उसका कंसंट्रेशन सी टू मान लिया, और इनका हमें रेशियो निकालना है सी वन बाई सी टू, ये निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे किया जाए, तो मैंने यहाँ पर एच ए का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो है के ए वन माना है, सिमिलरली के ए टू एच बी का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मैंने माना है। ठीक है, ये माना है मैंने यहाँ पर। इसका रेशियो हमें दिया गया है, द रेशियो ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ टू एसिड एच ए एंड एच बी कितना है, ये फोर दिया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एच ए का के ए वन और एच बी का के ए टू, ये रेशियो कितना दिया गया है, फोर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस कंडीशन को हमें यूज करना है, कंसल्टेशन वाला पार्ट मुझे निकालना है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है, द एसिड टू एसिड विल हैव सेम पीएच, जब दो एसिड सेम पीएच के हैं तो पीएच वन पहले एसिड का और पीएच टू दूसरे एसिड का आपस में बराबर है, तब पीएच बराबर रहेंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन होंगी एच पॉजिटिव आयन की वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, एच पॉजिटिव वन और एच पॉजिटिव टू दोनों एसिड का बराबर होगा। तो ओस्टवाल्ड एलियट्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ओस्टवाल्ड एलियट्स लॉ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी दिया जाता है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी दिया जाता है। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना है, तो कंसंट्रेशन का रेशियो किस टाइप से आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पर रिलेशनशिप बनाऊंगा। पहले एसिड का मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो था के ए वन माना था, तो अल्फा वन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए वन अपॉन कितना हो जाएगा सी वन, और दूसरे का अल्फा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए टू अपॉन सी टू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एच पॉजिटिव वन और एच पॉजिटिव टू दोनों एसिड आपस में कंसंट्रेशन में बराबर है, और पीएच जब बराबर थे तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव की बोली जाएगी इक्वल टू सी वन अल्फा वन और दूसरी सी टू अल्फा टू बोली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सी वन और सी टू की रेशियो निकालना था, तो सी टू को अलग ले जाऊंगा, तो सी वन बाई सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा टू बाई अल्फा वन, ये हो जाएगा अपने पास। अब अल्फा टू बाई अल्फा वन कहाँ से आएगा, तो अल्फा टू बाई अल्फा वन ये जो इक्वेशन दी है यहाँ पर ओस्टवाल्ड एलियट्स लॉ की, अल्फा वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए वन बाई सी वन और अल्फा टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए टू बाई सी टू। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसका रेशियो निकालूंगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अल्फा टू बाई अल्फा वन ले रहा हूँ, तो अल्फा टू बाई अल्फा वन होगा तो ये वाला टर्म पहले लिखना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ के ए टू बाई सी टू, और इसी में ही क्या हो जाएगा अल्फा वन का रेशियो दूंगा, तो के ए वन नीचे रहेगा और सी वन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो के ए वन नीचे और सी वन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अल्फा टू है अल्फा वन कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए टू इंटू सी वन डिवाइड बाई सी टू इंटू के ए वन। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर रखूंगा, तो सी वन बाई सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए टू बाय के ए वन इंटू सी वन बाय सी टू, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब मैं दोनों साइड डिस्कस करूंगा तो कितना हो जाएगा, सी वन बाय सी टू इक्वल टू के ए टू बाय के ए वन इंटू सी वन बाय सी टू, ये टाइप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर स्क्वायर चला जाएगा। अब मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर करूंगा, अगर मैं इस कैलकुलेशन को, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी वन बाय सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए टू बाय के ए वन। ठीक है, अब यहाँ से के ए टू बाई के ए वन कितना दिया गया, यहाँ पर के ए टू बाई के ए वन यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर के ए वन बाई के ए टू दिया है, फोर दिया है, तो के ए टू बाई के ए वन कितना हो जाएगा, वन बाई फोर, तो सी वन बाय सी टू इक्वल टू वन बाई फोर, और वन बाई फोर कितना होता है, जीरो पॉइंट टू फाइव। अब जीरो पॉइंट टू फाइव कहाँ पर है, ऑप्शन में डी ऑप्शन में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट टू फाइव डी ऑप्शन, इस टाइप से दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड,